आप हमें अपना जख्म साफ क्यों नहीं करने दे रही? बहुत जिद्दी हैं आप। जिद तो आप कर रहे हैं नवाब साहब, जो पूछा है बता क्यों नहीं देते? अगर आप नुसरत आपस से प्यार करते थे तो उनकी मैयत में क्यों नहीं है? हमारे जाती मामले में कोई दखल दे, यह हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। जिस जिंदगी से हमारी नुसरत आपा की सांसें जुड़ी थी, वो तो आपकी जाती जिंदगी कैसे हो सकती है? हमने नुसरत आपा को अपनी बहन माना था और उस नाते में पूरा हक है कि हम ये जाने उनकी मौत और उनकी जिंदगी से आपका क्या रिश्ता है। क्या शबनम जो कह रही थी वो सच है, या आप जो कह रहे थे वो सच है? क्या नुसरत आपा की मौत के जिम्मेदार आप हैं? क्या आप उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहते थे? नवाब साहब, हम सच जानना चाहते हैं, नुसरत आपा और आपका सच। सच तो ये है कि मोहब्बत की किस्मत में खुशियां बहुत कम होती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम लखनऊ में पढ़ा करते थे, नुसरत के साथ एक ही कॉलेज में। वो एक शायरा थी और हमारे लिए हमारी शायरी, हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत को नाम देने के लिए हमने नुसरत से निकाह करने का फैसला किया। पर मोहब्बत के दुश्मनों की कमी थोड़ी ना होती है, और हमारे दुश्मन थे हमारे घर वाले। सबसे बड़े दुश्मन थे नुसरत के सौतेले अब्बू। उन दिनों हमें एक जरूरी काम के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले हमने नुसरत से मुलाकात की और उसे कहा कि हम लौट के आएंगे और उसे निकाह करेंगे, उसके सौतेले अब्बू को मना लेंगे और अपने प्यार को किस्मत के हवाले करके चले गए। लौट के वापस आए तो पता चला कि उस सौतेले अब्बू ने नुसरत को कोठे पे बेच दिया था। हम जब अपने प्यार को वापस लाने उस कोठे पे पहुंचे तो मुझे याद है शबनम ने एक आखिरी बार मुझे उसे मिलने का मौका दिया था। हम रोए गिड़गिड़ाए, हमने उसे कहा कि हम उसे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। उसे लगता था कि वो नापाक हो गई और वो हमारे लायक नहीं, लेकिन हमारा प्यार तो पाक था। और उसी प्यार को ढूंढते ढूंढते हम उन कोठों की गलियों में गुम गए। हम हर रोज उस कोठे पे जाते थे नुसरत से मिलने, ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए। उसके बाद भी बहुत बार हमने उसे कहा कि हम उसे निकाह करना चाहते, लेकिन वो नहीं मानी। एक आखिरी बार जब वो मान गई तो बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन हम अपने निकाह की तैयारी करने दरगाह गए होते मौलवी साहब को लाने। वापस पहुंचे तो ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने,
अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी माई इच्छा से